किसी भी खेल में जीत हासिल करने पर खिलाड़ियों को अलग अलग मेडल, ट्रॉफी या फिर गिफ्ट भी दिए जाते हैं, जिनमें से ओलंपिक खिलाड़ियों का नाम सबसे ऊपर आता है। जब कोई खिलाड़ी ओलंपिक गेम में अपने देश के लिए मेडल जीतकर आता है तो वह उस मेडल को दांतों से काटता है। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है खिलाड़ी मेडल्स को दांतों से क्यों काटते हैं? खिलाड़ी ऐसा इसलिए करते हैं, हम आपको बता देते हैं। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ओलंपिक हिस्टोरियंस के प्रेसिडेंट डेविड का कहना है कि मेडल जीतने के बाद खिलाड़ी फोटोग्राफर्स के द्वारा रिक्वेस्ट करने पर ऐसा पोज देते हैं और अपने पल को और ज्यादा यादगार बनाने के लिए दांतों से काटते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि फोटोग्राफर इसे बेहतरीन शॉट के तौर पर देखते हैं और इसे पोज को वह काफी इम्पोर्टेंट मानते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि खिलाड़ी खुद ऐसा नहीं करते हैं, वह इस तरह की पोज सिर्फ फोटोग्राफर्स और मीडिया के लिए ही देते हैं। आपको बता दें कि सोना धातु बहुत ही मुलायम होता है, ऐसे में सोने को इसलिए दांतों से काट के इसकी शुद्धता की पहचान भी की जा सकती है। इसलिए कई जगह ऐसा भी कहा जाता है कि इसे दांतों से इसलिए काटा जाता है। एक बात और है, यह आपको बिल्कुल नहीं पता होगी लेकिन आप इसके बारे में जरूर सोचते होंगे, चलिए हम आपको बता देते हैं। ओलंपिक के गोल्ड मेडल में सोना कितना होता है? ये सवाल आपके और हमारे मन में कई बार आता होगा जब भी खिलाड़ियों को मेडल के साथ देखते हैं कि ये जो मेडल्स होते हैं ये क्या सच में सोने के होते हैं या फिर गोल्ड प्लेटेड होता है। कभी मेडल्स पे दांतों के निशान क्यों नहीं बनते हैं जब भी कोई खिलाड़ी उन्हें काटता है? 2016 के ओलंपिक में गोल्ड मेडल में 1% से भी कम सोने का इस्तेमाल किया गया था, जबकि 93% से भी ज्यादा उसमें चांदी थी और 6% उसमें कांस्य मतलब ब्रॉन्ज में था। अब तो आप समझ ही गए होंगे, जब भी ये खिलाड़ी अपने दांतों से मेडल को काटते हैं तो वह सिर्फ एक बेहतरीन पोज होता है जो कि फोटोग्राफर्स की रिक्वेस्ट पे वह ऐसा करते हैं। और दूसरी बात, जो ये मेडल होते हैं वह सोने के नहीं होते हैं, सोने की मात्रा उसमें सिर्फ 1% ही होती है। दोस्तों आप में से किस किस को इस फैक्ट के बारे में पहले से ही पता था? अगर पता था तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।